ये मेरे दामन चला मैं डूबा। क्रिकेट देखा होगा तो ये स्कूल का क्रिकेट बॉल। तो जनाब अपन खड़े हैं छत पे। तो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल सलाम अलैकुम वेलकम टू बैक अपने यूट्यूब चैनल बोले तो दाम मंचल मैन। तो दोपहर के बज चुके हैं तो और अपन खड़े हैं छत पे। बहुत दिनों बाद आई है धूप निकली है, बहुत दिनों बाद। आज से 15 दिन हो गए धूप निकली नहीं है। जनवरी की ठंड, काफ़ी ठंड पड़ रही है और हवा बिल्कुल इतनी शीत लहर, इतनी ठंड हवा चल रही है। तो मैं आपको क्या बताऊँ, कुछ इस तरह नज़ारे दिखते हैं छत के बाहर से मेरे। तो आज की प्लानिंग ये है कि जाना है सतना शॉपिंग करने, काफ़ी दिनों बाद जा रहा हूँ फिर से। तो जनाब बात कुछ ऐसी है कि अपन काफ़ी दिनों से घर में ही हैं, गांव में ही हूँ। जब से लॉकडाउन हुआ है, कब से, 1 साल के ऊपर हो गए हैं जब लॉकडाउन हुआ था पहला, तब से मैं ही आ गया था गांव में। गांव से ही मैं अपना काम कर रहा हूँ ऑफिस का, वर्क फ्रॉम होम, और साथ साथ वीडियो बनाता ट्रैवल भी करता हूँ। पर इस टाइम कोरोना कोविड जो नया तीसरी लहर बहुत तेज़ी से इस बार बढ़ रही है, बहुत जल्दी इस बार आ चुकी है। तो पिछली बार जैसे आई थी मार्च में लॉकडाउन हुआ था, इस बार बहुत जल्दी पहले से ही लॉकडाउन हो रहा है, नाइट कर्फ्यू लग जाता है। ट्रैवल करना काफ़ी मुश्किल हो गया। तो मैं ट्रैवल ब्लॉग अभी नहीं बना पा रहा हूँ, तो मैं आपको गांव को ब्लॉग दिखाऊंगा और गांव की जीवन लाइफ के बारे में दिखाऊंगा। बहुत पहले भी डाल चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल में ब्लॉग, तो ब्लॉग को पूरा देखिए, आप लोग सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ब्लॉग कैसा लगता है और जो खामियाँ हैं वो भी बताइए अपने कमेंट के द्वारा। सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन प्रेस करें जिससे मेरा न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। मैंने गाली का क्रिकेट देखा होगा तो ये स्कूल का क्रिकेट है, यहाँ पे चल रहा है ये। तो इस गेम के कई सारे रूल हैं। इसके ऊपर से उड़ती हुई गेंद जाएगी तो आउट, 21 हैंड आउट, और 3 बीट लगातार होगा तो आउट, और ऐसे लोग कैच कर लेंगे तो आउट। तो ये विपिन घर है और विपिन घर के सब द्वारपाल बैठे हुए हैं। 1 2 3 और एक उधर चला गया 4। साला नहीं गई, चली गई। तो रोटी के लिए मैं पहरा देते हैं, नहीं रोज का, रोज एक रोटी में। हाँ। चाहता अभी तो मरे मरे हैं। मालिक ऐसे मालिक खाए पिए, देखो पेट उड़ निकला, जीव जाए पूरा। अब उनको भी जा रहे, कुछ नहीं देते। सब एक एक रोटी में जारे टिके हुए हैं। अभी मैं खड़ा हूँ सतना पे, जो सतना आया था घूमने और कुछ शॉपिंग करने आया, जैसे आपको बताया था। तो मैं विपिन के साथ आया था, विपिन गया छोड़ने किसी को, जाएंगे और मार्केट घूमने विपिन में, और इसके बाद कपड़ों पर खरीदेंगे, कुछ परचेज करेंगे, कुछ सामान वामान वगैरह, उसके बाद निकलेंगे घर। तो ये सतना रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारे हैं, कुछ इस तरह है ये सतना। चश्मा ही है? नहीं, अरे दादा धूप थोड़ी है चश्मा ले। तो अभी गाड़ी पार्क करेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से मार्केट करने। तो अपन लोग शॉप ढूंढ रहे हैं, जिस शॉप में जाना है मिल नहीं रहा, काफ़ी रास्ता में हम लोग भटक गए हैं, तो पूछ पूछ के पहुँच रहे हैं अभी। वो लिखा वो सामने भी थे और कर दे। ये मेरे दामन चला मैन है, ये आज कपड़े खरीदने आए हैं, मॉल है। पूरी मॉल है,
दामन चला में ना जी लेने वाले हैं कुछ कपड़े और ढेर सारी शॉपिंग करेंगे यहीं पे। अच्छा दिखाओ लेटेस्ट डिजाइन का दामन चला। ये हो गया डीएनजी ब्रांड। भैया ने शॉपिंग कर लिया हमारे शॉप से। भाई ये हमारे मालिक हैं, वो शॉप के शॉप के मालिक हैं। अच्छा पहनते हैं और अच्छा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंसेशन नहीं होता यहाँ पे, एक रेट का माल रहता है। कंसेशन बिल्कुल देंगे और सब कोई आइए यहीं पे और अच्छा सामान देते हैं। भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सब लोग। तो भैया शॉपिंग हो चुकी है और 3000 का चूना लग चुका है। विपिन ने भी लगा दिया चूना। विपिन ने फाड़ा यार। ऐसा नहीं है भाई, गलत बोल रहा है ये। जैसे कि आप सभी जानते हैं हम दुबई मॉल पे गए थे और बहुत ढेर सारी शॉपिंग की है। दुबई मॉल में, दुबई में स्वेयर शॉप है मतलब, वहाँ पे गए थे तो विपिन ने भी चढ़ा चढ़ा कर तारीफ कर करके। ठीक है कोई बात नहीं। कैसा लगा इतना लूटने पर? अब जिसका पैसा गया तो उसे कैसा लगेगा। समझ ये हमारा पन्नीलाल चौक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं सतना में बहुत बड़ी मार्केट यहाँ पे लगती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो नए चैनल पे आते हैं सब्सक्राइब करके ही जाएं। थैंक यू सो मच, मैं नए ब्लॉग में बहुत जल्दी मिलूंगा आप सबसे। तब तक के लिए अलविदा।